बिजनेस कमेटी की डिमांड थी कि आर्मी चीफ को बुलाया जाए? नहीं नहीं नहीं, ये बिजनेस कमेटी ने लिखा था कि जी हमें पता ही नहीं है किस सिम्स में हम जा रहे हैं, क्या हो रहा है, मुल्क की हालत रोज बरोज जो विदाउट कंट्रोल होती जा रही है, आउट ऑफ कंट्रोल, तो ये कहाँ हम जाएंगे? इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, महंगाई 40% पे पहुंच गई है, रुपये 280 पे पहुंच गया है, वगैरह वगैरह। नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात है, अगर आर्मी चीफ का नहीं बिजनेसमैनों ने कहा था तो उनका बैठने से बिजनेसमैनों में और अच्छा मैसेज मुल्क में तो गया होगा ना कि भाई। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं तो यही तो कह रहा हूँ आपसे कि इसराक जाब भी थे, लेकिन ज्यादा जो एतमाद क्रिएट हुआ है लोगों पे वो आर्मी चीफ का था। और दो तीन चीजें सामने आई है न्याजी साहब जो आपकी और आपके चैनल के लिए मैं शेयर करना चाहूंगा। एक तो उन्होंने बड़े वाजे कहा कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं होने जा रहा है और इंशाल्लाह जल्दी आईएमएफ का एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। और दूसरे उन्होंने यही कहा कि मुल्क की जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है, और ये जो बातें सुनने में आ रही है मुख्तलिफ किस्म की, ये लोगों के एतमाद को और बिजनेसमैनों के एतमाद को खास तौर पर शैकत करती हैं, लिहाजा आप अपना एतमाद रखें मुल्क पे, पॉलिसी मेकर्स पे और पाकिस्तान के ऊपर। यानी उन्होंने हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारे एतमाद एतबार को रिस्टोर कराया है और वो इंश्योरेंस दी है कि मुल्क जो है वो सही सिम्ट में है और कोई ऐसी बात नहीं है घबराने की।